तो कैसे हो लापता एसएमपी के दीवानों, आज हम फिर से आ चुके हैं आप सब लोगों के लिए एक्साइटिंग सा वीडियो लेकर। देखो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट प्लेयर ऑफ लापता एसएमपी के बारे में। बट वेल मैं तुम्हें पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज की जो लिस्ट होने वाली है वो पूरी तरीके से मेरी ओपिनियन पे बेस्ड होने वाली है। और आज की लिस्ट में मैंने जिन भी टॉप 5 प्लेयर्स का नाम रखा है उन्हें मैंने 3 क्राइटेरिया के बेस पे रखा है। और वो कौन सी 3 क्राइटेरिया है चलो मैं आपको बताता हूँ। जो सबसे पहली क्राइटेरिया है वो है ओवरऑल स्किल्स। देखो इस क्राइटेरिया में हम सारी स्किल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि पीवीपी हो गया, क्लच हो गया, पार्कोर हो गया, इन सब स्किल्स को मिला के बनते हैं ओवरऑल स्किल्स। और जो प्लेयर्स इसमें जितना अच्छा है उसको उसी के हिसाब से रैंकिंग मिली है। तो यह बात करते हैं अपनी सेकंड क्राइटेरिया के बारे में, सो वो होने वाली है माइंड गेम। अब देखो माइंड गेम से तुम लोग समझ गए होगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे बात करूंगा प्लान्स और ट्रैप्स के बारे में, कि उस प्लेयर ने कितने अच्छे अच्छे प्लान्स और ट्रैप्स बनाए हैं पूरे एसएमपी में। और जो नंबर 3 की क्राइटेरिया है वो है कंटेंट क्रिएशन। देखो वैसे तो सारे ही मेंबर्स का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है, सो यार इस बेसिस पे जज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जो बाकी दोनों क्राइटेरियाज हैं वो काफी ज्यादा अच्छी है। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही बता दे रहा हूँ इस वीडियो का लाइक है 500 लाइक्स का, सो यार प्लीज इसे कंप्लीट करवा देना। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में मैं आप लोगों के लिए चैलेंज लेके आया हूँ, और जो भी बंदा उस चैलेंज को पूरा करेगा मैं उसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट दूंगा। सो यार आखिर वो ऐसा कौन सा चैलेंज है उसे जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं सीधा वीडियो की तरफ। सो जो बंदा नंबर 5 की पोजीशन पे आता है वो है आरटीओ गेमर। अब देखो आरटीओ गेमर नंबर 5 की पोजीशन पे इसीलिए है क्योंकि वो बहुत अच्छी पीवीपी कर लेता है, और कहीं ना कहीं वो लापता एसएमपी का सबसे बेस्ट एक्स पीवीपीयर भी है। सो या उसे नंबर 5 की पोजीशन पे रखना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, क्योंकि आरटीओ भाई के पास बहुत सारी स्किल्स हैं और उनका माइंड गेम भी काफी अच्छा है। और जहां तक बात करें उनकी कंटेंट क्रिएशन की, तो उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाया है और उनका कंटेंट भी काफी ज्यादा ऑसम है। सो जो प्लेयर नंबर 4 की पोजीशन पे आता है उसका नाम है रेक्सी। अब देखो रेक्सी को नंबर 4 की पोजीशन पे इसीलिए रखा गया है क्योंकि रेक्सी की पीवीपी बहुत अच्छी है। लिटरली जो प्लेयर रेक्सी से लिस्ट में ऊपर भी है उनसे भी काफी अच्छी पीवीपी कर लेता है रेक्सी। बट उसे नीचे रखने का बस एक ही रीजन है कि जो बाकी दोनों क्राइटेरियाज हैं उसमें बाकी प्लेयर्स इनसे थोड़े से अच्छे हैं। बट अगर बात करें रेक्सी की पीवीपी की, तो आप लोगों को पता ही होगा कि रेक्सी कितनी अच्छी पीवीपी कर लेता है और वो कहीं ना कहीं लापता एसएमपी का बहुत अच्छा पीवीपीयर भी है। और अगर बात करें रेक्सी के माइंड गेम की, तो इसमें भी रेक्सी काफी ज्यादा अच्छा है और उसने बहुत सारे मेंबर्स को बहुत अच्छे अच्छे ट्रैप्स में फंसाया भी है। और अगर बात करें इनके कंटेंट क्रिएशन की, तो आपको पता ही है कि रेक्सी लापता एसएमपी में एक एप्लीकेशन के थ्रू आया है। सो आप लोग समझ सकते हो कि जहां पे हजारों लोगों ने एप्लीकेशन बनाई थी वहां पे सिर्फ रेक्सी को ही सिलेक्ट किया गया, सो इनका कंटेंट कितना अच्छा होगा। और जब से ये लापता एसएमपी में आए हैं तब से इन्हें बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस को अपलोड किया है। सो या इस चीज से तो हम लोग बहुत ही अच्छे से एग्री कर सकते हैं कि रेक्सी का कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा है। सो चलो अब बात करते हैं नंबर 3 प्लेयर के बारे में। सो देखो नंबर 3 की पोजीशन पे एक नहीं बल्कि 2 प्लेयर्स आते हैं, और वो है मिस्टर लेपिस और जेडजोर। अब देखो इन दोनों प्लेयर्स को साथ में रखने का एक बहुत बड़ा रीजन है क्योंकि जेडजोर की पीवीपी अच्छी है मिस्टर लेपिस भाई से, और वहीं पे लेपिस भाई का माइंड गेम अच्छा है जेडजोर से। और बात करें अगर कंटेंट की, वो तो दोनों का ही बहुत अच्छा है। सो इसीलिए मुझे इन दोनों को एक साथ ही नंबर 3 की पोजीशन पे रखना पड़ा। और अगर आप भी इस चीज से एग्री करते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना। सो चलो अब बात करते हैं नंबर 2 प्लेयर के बारे में। और जो प्लेयर नंबर 2 की पोजीशन पे आता है वो है सेनपाई स्पाइडर। अब देखो सेनपाई स्पाइडर की पीवीपी स्किल्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, वो तो आप लोगों को पहले से ही पता है कि सेनपाई स्पाइडर पूरे लापता एसएमपी का सबसे बेस्ट पीवीपीयर है और वो लापता एसएमपी में बहुत ही अच्छी पीवीपी करता है। और अगर बात करें इनके माइंड गेम की, तो सेनपाई ने बहुत ही अच्छे अच्छे माइंड गेम वाली वीडियोस को भी अपलोड कर रखा है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। और ये वीडियोस बहुत ज्यादा सस्पेंसिव थी और ऑडियंस को इन्हें देखने में काफी ज्यादा मजा आया था। सो या इनका माइंड गेम भी काफी ज्यादा अच्छा है। और अगर बात करें इनके कंटेंट क्रिएशन की, तो सेनपाई का कंटेंट तो बहुत ज्यादा बेस्ट है। लिटरली ये बहुत ही अच्छी वीडियोस को बनाते हैं लापता एसएमपी में, और उसी के हिसाब से इनको ऑडियंस का बहुत ज्यादा प्यार भी मिलता है। सो या सेनपाई स्पाइडर एक बहुत ही बेस्ट क्रिएटर है पूरे लापता एसएमपी के। सो चलो अब बात करते हैं नंबर 1 के प्लेयर की। सो जो बंदा नंबर 1 की पोजीशन पे आता है वो तो अभी तक आप लोगों ने प्रेडिक्ट कर ही लिया होगा। सो नंबर 1 की पोजीशन पे एक नहीं बल्कि 2 लोग आते हैं, जो कि है पीएसडी भाई और निज गेमर। अब देखो इन दोनों के बारे में मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपको पहले से ही पता है ये दोनों तीनों क्राइटेरियाज में बेस्ट है। मतलब अगर बात करें पीवीपी की, तो निज गेमर तो बहुत ज्यादा अच्छी पीवीपी कर लेता है, और पीएसडी भाई ने भी हाल ही में बहुत अच्छी पीवीपी को सीखा है। और ये तो आपने लॉयल एसएमपी की वीडियो में भी देख लिया था कि पीएसडी भाई कितने अच्छे पीवीपी करते हैं। सो अगर बात करें इनके माइंड गेम की, तो पीएसडी भाई का माइंड गेम कैसा है ये मुझे बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। लिटरली पूरे लापता एसएमपी में सबसे बेस्ट और सबसे सस्पेंसिव वीडियोस पीएसडी भाई के ही होते हैं। और अगर बात करें निज गेमर की, तो उन्होंने भी काफी अच्छे अच्छे वीडियोस को बनाया है जहाँ पे उन्होंने बहुत मस्त मस्त ट्रैप्स और काफी अच्छे अच्छे प्लान्स भी बनाए हैं। और इन दोनों के कंटेंट क्रिएशन के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा क्योंकि इन दोनों का कंटेंट स्टार्टिंग से ही बेस्ट था और आज तक बेस्ट ही है। और अब तो बहुत जल्दी लापता एसएमपी का सीजन 5 भी आने वाला है, सो फिर हमें इन क्रिएटर से और भी अच्छी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो या गाइस यही थी आज की लिस्ट, बट वेट अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ, अभी तो आप लोगों के लिए चैलेंज भी बाकी है। सो देखो आज के चैलेंज में मैं आप लोगों के लिए एक सिचुएशन लेके आया हूँ, आपको
उस सिचुएशन को एनालाइज करना है और एकदम मस्त सा आंसर देना है कमेंट सेक्शन में। और जो बंदा सबसे अच्छा आंसर देगा सबसे बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ में, उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में शाउट आउट भी दूंगा। सो देखो, तुम्हें इमेजिन करना होगा कि तुम लापता एसएमपी के लिए सिलेक्ट हो गए हो और तुम जैसे ही लापता एसएमपी को ज्वाइन करते हो, तुम्हारा पंगा हो जाता है चड्डी गैंग से और चड्डी गैंग तुम्हें लिटरली 9 बार मारती है और तुम एक हर्ट पे आ जाते हो। मतलब अगर तुम एक बार और मरेगा तो तुम एसएमपी से बैन हो जाओगे और फिर तुम्हें एसएमपी में कोई अनबैन भी नहीं करेगा। और तुम जब एक हर्ट पे होते हो तो चड्डी गैंग तुम्हारे पीछे पड़ी होती है और तुम वहां से भाग जाते हो। और फिर तुम्हें तीन टीम के इनवाइट्स आते हैं अपनी टीम में आने के लिए, जिसमें से पहली टीम होती है ओपी और आरटीओ की और वो कहते हैं तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा सामान दूंगा। और सेकंड टीम होती है सेनपाई स्पाइडर की, सेनपाई स्पाइडर कहता है तुम मेरी टीम में आ जाओ, मैं आते ही किसी प्लेयर को बैन नहीं करता हूं। और थर्ड इनवाइट आता है तुम्हें निज गेमर से, निज गेमर कहता है मेरे पे ज्यादा सामान तो नहीं है बट मैं तुम्हें बैन होने से बचा सकता हूं। और वहीं पे चड्डी गैंग ने सबको धमकी दे के रखी है कि जो भी तुम्हारी मदद करेगा वो उसे सर्वर से बैन कर देंगे। सो या आखिर तुम किस टीम में जाना पसंद करोगे मेरे को कमेंट में जरूर से बताना। सो या गाइस, यही थी आज की वीडियो। अब अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, पीस आउट। चादरों की शलवटों में ख्वाब मेरे नक्श से गए, हाजिरी लगाना भूला क्लास ले रहा कब से नहीं, आगे मुंदी सो गया मैं ख्वाब मेरे फिर से, भाई मंजिलों पे पहुंचाना गिरा पर उनकी छत से गए।